सर फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप. Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 4th October 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:32 हो रहे हैं. जैसे कि आज फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो काफी उथल पुथल हो सकता है मार्केट में. बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल मूव दिखा सकता है, तो आज सिंगल लेग के साथ बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करना काफी रिस्की होगा. दो लेग के साथ, मल्टीपल लेग के साथ अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करे तो ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा इजी हो सकता है, क्योंकि जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसके दो दिन पहले एक कंसोलिडेशन फेज दिखाता है, एक साइडवेज फेज दिखाता है. और जैसे ही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आता है, आरबीआई का व्यू इकोनॉमी के ऊपर बाहर आता है, तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त मूव देखने को मिलता है. काफी वोलेटाइल रहता है, तो वन लेग के साथ ट्रेड करना काफी रिस्की हो सकता है. तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 3rd October आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,387 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,335. तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का 10 मिनट का चार्ट है. जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं यहाँ पर बना, क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इसी के पास ऑलमोस्ट ये ओपन हुआ और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव होने लगा. लेकिन जैसे ही ये ऊपर आया तो एग्जैक्ट इसने ब्रेकडाउन लेवल के पास यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से एक बार जहाँ टूवर्ड साउथ की तरफ इसने मूव दिखाया, तो फर्स्ट टारगेट 11,308 और सेकेंड टारगेट 11,289 ये अचीव किया. एग्जैक्ट यहाँ पर ही इसने सपोर्ट टेस्ट किया और फिर से बाउंस बैक होकर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ. तो दिन भर इसी जोन के अंदर ये ट्रेड होते रहा, काफी कंसोलिडेशन पैटर्न था. दोजी कैंडलस्टिक कल एक फॉर्म हुआ है, तो इस कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 नॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 25,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं क्विकली ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. उससे पहले एक छोटा सा क्विकली ट्रेडिंग फैब के बारे में इंट्रो देना चाहूंगा, एक ऑफर है उसके बारे में. ये तीनों जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और फाइव पैसा, इनका ऑथराइज पार्टनर है ट्रेडिंग फैब. तो अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते तो आपको इंट्राडे के प्रीमियम मेंबरशिप एब्सोल्युटली फ्री मिल सकती है. उसके लिए सिर्फ आपको इन तीनों में से कोई एक अकाउंट ओपन करना है. अपस्टॉक्स और फाइव पैसा का अकाउंट ओपनिंग फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है. जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होगा, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका एंटर करना है और ऑनलाइन प्रोसेस है. ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करके एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है. जैसे ही अकाउंट ओपन होता है तो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है और आपका क्लाइंट आईडी हमारे साथ कंफर्म करना है ताकि हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके. अपस्टॉक्स के लिए एक ऑफर है, अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं अपस्टॉक्स में तो पार्टनर 300 ये प्रोमो कोड यूज करना है. अगर आप ये अकाउंट ओपन करते वक्त ये यूज करते हैं प्रोमो कोड तो आपको 300 रुपीज का ब्रोकरेज कैशबैक हो सकता है. तो ये सिर्फ ट्रेडिंग फैब के मेंबर्स के लिए ये ऑफर है, अपस्टॉक्स के लिए, ठीक है. तो ये एक छोटा सा ऑफर है ट्रेडिंग फैब की तरफ से. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नासडैक दो दिन के जबरदस्त गिरावट के साथ एक रिकवरी देखने को मिली, हरे निशान में बंद हुए. यूरोपियन बाजार भी देखे तो वहां पर भी मिला जुला कारोबार देखने को मिला. डैक्स देखे तो 338 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, हालांकि लंदन मार्केट भी गिरावट के साथ बंद हुआ. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो चाइना मार्केट अभी भी फिलहाल बंद है, वहां पर छुट्टी चल रही है. निकेई 18 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और हांगकांग मार्केट 147 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर देखे तो 37 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल आज ग्लोबल मार्केट में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है. चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है निफ्टी का वीकली चार्ट. जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, ये जो फॉल आया है इसके बाद रिकवरी कहाँ तक आ सकती है इसको प्रोजेक्ट करने के लिए. तो यहाँ पर 61.8
ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 11,543, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था, यहाँ से इसने एक करेक्शन दिखाया है। और जैसे कि कल हमने बात किया था 20 EMA का फर्स्ट सपोर्ट होगा जो कि अराउंड 11,200 के पास है, तो कल इसने 20 EMA को पेनेट्रेट किया है और उसके बाद अगर 20 EMA के नीचे अगर ये चला जाता है तो 50 EMA जो कि 11,200 के पास है ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर एज पर वीकली चार्ट ये 20 EMA के पास है जहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक करता है 20 EMA और 50 EMA तो और यहाँ से पैनिक मूव हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। RSI को देखें तो अभी ये फिर मिड लाइन जो है 50 का इसके पास आ गया है, तो हो सकता है ये 50 EMA माफ कीजिए RSI जो है ये 50 का ये जो मिड लाइन है यहाँ पर आके सपोर्ट टेस्ट करके फिर एक बार बाउंस बैक दिखा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ये 50 का ये जो मिड लाइन है इसके पास आके ये बाउंस बैक दिखाता है, ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे। तो ये RSI अभी 50 के मिड लाइन के पास है, ऊपर 20 का भी सपोर्ट बना हुआ है, तो हो सकता है एक बाउंस बैक दिखे। अगर नहीं ये दोनों भी लेवल्स 11,200 के नीचे चला जाता है तो और पैनिक मूव हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में कल फिर एक दोजी कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। जब भी दोजी कैंडलस्टिक आता है यानी जहां पर ओपन हुआ है वहां पर ही दिन का क्लोज होता है ऑलमोस्ट, तो ऐसे दिन काफी कंसोलिडेशन पैटर्न रहता है पूरे दिन, तो इस दिन काफी टेंशन वाला रहता है। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो काफी मूवमेंट नहीं होता, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होता, तो जैसे ही ये दोजी फॉर्म होता है उसके नेक्स्ट डे एक बड़ा मूव आता है, एक बिग मूव आता है। इस दोजी कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट डे अगर आप देखें ये रहा प्रीवियस दोजी और उसके बाद एक बड़ा मूव, ठीक है, ये दोजी फॉर्म हुआ था लॉन्ग लेग दोजी, उसके बाद एक बड़ा मूव आया था। पास्ट में भी देखे तो दोजी फॉर्मेशन उसके बाद एक बड़ा मूव आता है, स्ट्रॉन्ग मूव आता है, एक दोजी फॉर्मेशन उसके बाद में दूसरे दिन यहाँ पर एक बड़ा मूव आता है। तो अभी कल भी इसने दोजी फॉर्मेशन दिया था, हो सकता है आज एक बड़ा इवेंट है तो इसके बाद अभी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आए या फिर इसका लो अगर ब्रेक करता है तो ये तीनों मूविंग एवरेज एक ही ऑलमोस्ट एक ही लेवल के पास क्लब हो रहा है 11,200 and 11,220। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इन मूविंग एवरेजेस का, अगर ये ब्रेक होते हैं तो यहाँ से और भी नीचे की तरफ हमें निफ्टी इंडेक्स मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। डेली चार्ट में क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो क्लोज जहां पर होगा तो वहां से हमें थोड़ा आइडिया आ सकता है नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में। अगर अभी फिलहाल ये जो करेक्शन आया है इसका अगर हम प्रोजेक्शन करें कि और यह कहां तक अगर निफ्टी इंडेक्स यहां से साउथ की तरफ मूव होता है तो कहां तक हमें ये सपोर्ट टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो यहां से लो और हाई को पकड़ के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया है। तो अगर निफ्टी इंडेक्स ये मूविंग एवरेज है इसका जबरदस्त सपोर्ट है, इसके नीचे 50% का है जो भी अराउंड ऑलमोस्ट 11,182 के पास आ रहा है, तो यहाँ पर 11,200 मान लीजिए एक जबरदस्त सपोर्ट है 50% का। अगर ये भी ब्रेक होता है तो नीचे 11,061 का ये सपोर्ट लेवल है एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ से एक बाउंस बैक भी दिखना मिलना चाहिए। हालांकि अगर जो ग्लोबल वरीज है अगर आप देखें तो US और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था अभी US और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी ये ट्रेड वॉर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ग्लोबल वरीज भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, तो यहाँ से अगर और भी पैनिक मूव अगर क्रिएट होता है तो हमें निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यह था वीकली और डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये इसे मैं 60 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर आप देखें तो अभी ये तीनों मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है। अभी दो तीन दिनों से देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स में काफी कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है। एक ट्यूसडे के दिन जबरदस्त मूव आ गया था लेकिन ये अभी फिलहाल मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। तो जब भी ऐसा पैटर्न आता है इन तीनों मूविंग एवरेजेस के बीच में
ये फंस जाता है, तभी ट्रेड करना काफी मुश्किल होता है। तो अवॉइड करना चाहिए ऐसे ट्रेड कर सिचुएशन में ट्रेडिंग करना। तो आज भी सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए लेवल्स है, फ्रेशर्स आज के लिए दूर रहे ट्रेडिंग से। तो अगर ये 100 EMA जो कल एक जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा था आर्ली चार्ट में, तो अगर ये ब्रेक करता है 100 EMA आज, अगर ये 11,290 के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,271, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,257, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है, तो यहाँ पर ये कुछ लास्ट आर में इसने डोजी बनाया था, फिर एक बियरिश कैंडलस्टिक बनाया था, और फिर एक बार बुलिश कैंडलस्टिक बनाया था। इसका अगर क्लोज हाई हाई देखे तो एक ही लेवल के पास आ रहा है, 11,321 के पास। तो इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, इसके ऊपर अगर ये क्लोज देता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,338, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,358, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो काफी डिफिकल्ट है ऐसे मार्केट में ट्रेड करना, सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेडिंग लेवल से इंट्राडे के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।